Hello dear students, my name is Manavendra Jeevan and this is video for class 6. Chapter wise, the first chapter of your book is Computer Fundamentals. Okay, I will try to teach you or guide you chapter wise. Now, Computer Fundamentals. बेसिकली आज कंप्यूटर हर जगह यूज़ किया जाता है, बिना कंप्यूटर के हम कुछ सोच भी नहीं सकते आज। और ख़ास करके इस लॉकडाउन के पीरियड में कंप्यूटर ही एक बहुत अच्छा साधन है, कंप्यूटर, मोबाइल, नेटवर्किंग, जिसकी वजह से हम आज एक दूसरे के सामने होने के नहीं सामने नहीं होने के बावजूद भी पढ़ लिख पा रहा है। तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स में इस बात पर मैं बात करूंगा कि बेसिक उसका क्या है। जैसे कंप्यूटर तीन फंडामेंटल टर्म्स पर चलता है बेसिकली, दैट इज इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। ओके, इनपुट मींस व्हाट एवर यू पुट द डेटा और रिकॉर्ड्स टू योर कंप्यूटर फॉर गेटिंग सम रिजल्ट। ओके, दैट इज इनपुट। यानी कि आप कोई भी रिकॉर्ड या डाटा जब कंप्यूटर में डालते हैं जिसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी या वह काम किया जाएगा, जिसके बाद आप रिजल्ट देखेंगे। जैसे कि अगर हम 40+50 इनपुट करते हैं तो प्रोसेसिंग होगी एडिशन की, जो कि सीपीयू में होगा, और उसका रिजल्ट हमें 90 मिलेगा। यह रिजल्ट हम स्क्रीन पर देखेंगे। द बेसिक इज दिस, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस हैं, देयर आर मल्टीपल डिवाइसेस अवेलेबल इन मार्केट। बेसिकली कीबोर्ड एंड माउस इज द बेसिक इनपुट डिवाइस फॉर योर कंप्यूटर। इसी कंप्यूटर फंडामेंटल में आगे में उसके डिटेल में हम लोग बात करेंगे। नाउ प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस मीन्स सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके अंदर आपकी कंप्यूटर की मेमोरी, प्रोसेसिंग डिवाइस, सीपीयू चिप जिसको बोलते हैं। इसीलिए पिछले के क्लास में मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, ध्यान होगा, द फाइव बेसिक पार्ट्स ऑफ योर सीपीयू, दैट इज सीपीयू चिप, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, सीडी डीवीडी ड्राइव एंड एसएमडीएस, राइट। तो इन सब के कंबाइंड रूप में प्रोसेसिंग की जाती है, प्रोसेसिंग होती है। अब आउटपुट, आउटपुट का बेसिक डिवाइस आपके लिए मॉनिटर है। ओके, ऐसे आउटपुट हम लोग आउट प्रिंटर पर ही ले सकते हैं, क्लियर है। तो द बेसिक यही रहा। नाउ कंप्यूटर के बेसिकली दो डिवीज़न है जो कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। वाट एवर द फिजिकल पार्ट्स यू कैन सी और टच फिजिकली, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। यानी कि कोई भी कंप्यूटर का ऐसा पार्ट जो कि आप हाथ से छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इधर से उधर कर सकते हैं, दैट इज हार्डवेयर। ओके, जैसे कि मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, हेडफोन, स्पीकर, ये सारे हार्डवेयर्स हैं। दूसरी तरफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर जिसका यूज हम कंप्यूटर के अंदर यूज करते हैं, कंप्यूटर पर करते हैं, जैसे कि एमएस वर्ड, पेंट ब्रश, वर्ड पैड, एक्सेल, एमएस एक्सेस, ऑटो कैड, विजुअल बेसिक, सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस, बहुत सारे। इन सब को हम छू तो नहीं सकते, उनको उठा करके कहीं और नहीं ले जा सकते, ये सिस्टम बाई सिस्टम ही जाएंगे। तो दोज आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ओके, तो बेसिक फंडामेंटल में आज इतना ही, जिसमें से हमारा मेन टॉपिक रहेगा, मेन टॉपिक था इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, जिसको मैंने एग्जांपल से आपको समझा दिया। और इसके बाद कंप्यूटर के बेसिक दो डिवीज़न होते हैं, वो है कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इसके बाद इस अगले वीडियो में, सेकंड वीडियो में, क्लास सिक्स के इस चैप्टर के सेकंड वीडियो में हम लोग उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ओके, थैंक यू।